So we have to start the practice set 2.2 of the quadratic equation. Here are the students. Question number first. Solve the following equation by a factorization method. यहाँ पे उन्होंने equation दिए, हमें उनके factorization method से variable की value find करनी है. तो equation देखते हैं. 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0. पहले हमें क्या करना है कि वो इक्वेशन हमें कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से. व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म? इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. आफ्टर कंपेयरिंग द डिग्री इज द सेम एंड द वेरिएबल्स एंड द कोएफिशिएंट्स आर लाइक द गिवन. मींस a कोएफिशिएंट इज 2, b कोएफिशिएंट इज 27 एंड c कोएफिशिएंट इज 13. And the degree is also the same, and the only one variable. Okay, so this is a quadratic equation. So we have to find the factors. अभी factor कैसे find करने हैं? इस equation में first term और last term की multiplication हमें पहले find करनी है. The first term is 2 और the last term is 13. So 2 into 13 the multiplication is 26. Next process क्या करने हैं? जो मिडल टर्म है हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मिडल टर्म सम 27 आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 26. ओके, सो टू टर्म्स हमने फाइंड की, 26 एंड 1. सो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है? 26 1 * 1 इज इक्वल टू 26 और एडिशन 27 आनी चाहिए, यानी कि 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27. मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और एडिशन भी आ रही है सब. ओके, यानी कि वो दो नंबर से हमने फाइंड किया. अभी ये जो मिडल टर्म है हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट यानी कि उसको डिवाइड करेंगे. कैसे करते देखिए. सो 2y² 26y प्लस y, हमने जो नंबर फाइंड किए थे 26 एंड 1 उसे स्प्लिट की, 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. ओके, ये स्प्लिट होने के बाद अभी यहां पे जो दो चार टर्म है उसमें से फर्स्ट सेकंड टर्म और थर्ड और फोर्थ टर्म आप सेपरेट कर लीजिए. फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे 2y, बिकॉज यहाँ पे y है ना, इसलिए हमने इसमें से हम y निकाल सकते हैं और 2 कॉमन निकाल सकते हैं. और 2 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 26 आता है. सो 2y हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा y प्लस 2 × 13, 26 × y. ओके, 2y हमने कॉमन निकाला. सेकेंड टर्म में से यहाँ पे कॉमन हम ओनली कोएफिशिएंट 1 निकाल सकते हैं वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पे 13 है. सो 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे फिर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो दोनों स्पीड में सेम आनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया. ये टर्म आपकी दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आएंगी तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा. ओके, सो वी हैव टू जस्ट सेपरेट द टर्म्स, यानी कि ब्रैकेट वाली टर्म एक बार लेंगे y प्लस 13 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे 0 से. So y plus 13 is equal to 0 or 2y plus 1 is equal to 0. Okay? यानी कि हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये प्लस 13 उधर जाके माइनस 13 हो जाएगा. ओके, सो y इज इक्वल टू माइनस 13 इन द राइट साइड. यहाँ पे माइनस होता तो वो प्लस होता, यहाँ पे प्लस इसलिए वो माइनस है. ओके, सेकेंड टर्म इज 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 1 राइट साइड में होगा तो माइनस हो जाएगा. सो 2y इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, हमें y फाइंड करना है इसलिए वो 2 डिवाइड हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. ओके, सो द वी गॉट द वेरिएबल्स आर द माइनस 13 और माइनस 1 बाय 2. सो वी हैव टू से दैट माइनस 13 और माइनस 1 अपॉन 2 आर अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में सॉल्व करते समय आपको जो फैक्टर्स निकालने हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते समय दो वेरिएबल जो फाइंड
फाइंड करते हैं आप, उसमें प्लस माइनस भी इंपॉर्टेंट है, ओके, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। पर वो जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है और एडिशन नंबर है, वो नंबर हमें प्रॉपर फाइंड करने हैं, ओके। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 इन योर प्रैक्टिस सेट 2.2। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहां पे हमने कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन सेम आती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे ये नंबर है 1/2 वो रैशनल नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं, अभी यहां पे फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 1/2, उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है हम देखते हैं। सो 2 × 1/2, तो यहां पे इसका मल्टीप्लिकेशन 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1। अभी हमें मिडिल टर्म में -2, इनकी सम क्या आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हम फाइंड करेंगे कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन 1 आनी चाहिए और एडिशन -2, ओके। सो वी गॉट द नंबर्स आर द -1 × -1। चलो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, सो -1 × -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करते समय द आंसर इज